हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। आज की डेट में जिन का जो उफाम है वो इतना बढ़ गया है कि हर किसी को जिन पीनी है और हर किसी को जिन के बारे में जानना है। अब भाई पीने के लिए तो आपके साथ दोस्त बैठे हैं, बट जिन के बारे में जानने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव एमबीज मैन केव। और इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है एज फार एज जिन इज कंसर्न्ड। काफ़ी जो डाउट्स हैं आप लोगों के क्लियर करे हैं, बट एक डाउट, एक जो क्वेश्चन है बार बार आप लोग मुझसे पूछते हैं, दैट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जिन। ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि लंदन ड्राई जिन लिखा होता है, बट व्हाट इज लंदन ड्राई जिन, क्या एक जिन का टाइप है, और दूसरे और कौन से टाइप होते हैं जिन के, हाउ डू दे डिफर, और कौन सा जिन का टाइप पीना चाहिए, कौन सा बेटर होता है, इस सब के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं जिन टाइप्स के बारे में, देर इज वन जिन टाइप विच इज प्रॉब्ली द मोस्ट पॉपुलर जिन टाइप। आज की डेट में भी जो 80% जिन्स बनती हैं मार्केट में, दे आर दिस टाइप ऑफ जिन। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट लंदन ड्राई जिन। यस, लंदन ड्राई जिन। जब हम बात करते हैं पॉपुलर जिन ब्रांड्स की, जो जिन आई एम श्योर आप लोगों ने ट्राई करी होगी, बॉम्बे सफायर, बीफ ईटर, टैंकरे, गॉर्डन्स, ग्रेटर देन जिन फ्रॉम इंडिया, दीज आर ऑल लंदन ड्राई जिन। एंड यस, इंडियन जिन कैन ऑल्सो बी लंदन ड्राई जिन। लंदन ड्राई जिन डज नॉट मीन कि वो सिर्फ लंदन में ही बनी होनी चाहिए, ऐसा कोई ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देर आर सम जिन जिन पर ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट लंदन ड्राई जिन डजंट मीन कि वो लंदन में ही बनी होनी चाहिए। इट सिंपली मीन्स दैट इट्स अ स्पेसिफिक रेसिपी, अ स्पेसिफिक फॉर्मूला, कुछ कंडीशंस होनी होती हैं जिनको मीट अगर हम करते हैं तो वो लंदन ड्राई जिन कहलाएगी। अब अगर आप एग्जैक्टली डिटेल में जाना चाहते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे एक लंदन ड्राई जिन बनती है, इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो I can make a more detailed video on that, because again वो वीडियो अगर हम बनाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो खिंच जाएगा, because लंदन ड्राई जिन itself is a very deep subject. But कैसी होती है लंदन ड्राई जिन? Well, when we talk about जिन, एक हर जिन में एक जो होता है मेन इंग्रीडियंट होता है, बेस इंग्रीडियंट होता है, और वो होता है जूनिपर। Doesn't matter what type of जिन you are drinking, जूनिपर berries उस जिन में 100% होंगी ही होंगी, बिकॉज दैट इज अ कंडीशन टू बी कॉल्ड जिन। लेकिन लंदन ड्राई जिन में जूनिपर का जो रेशो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, जूनिपर का टेस्ट आपको ज़्यादा आएगा, एंड एज अ रिजल्ट यू विल फील दैट मिंटीनेस फ्रॉम द जिन। एंड द सेकेंड वर्ड जिसके बारे में हम बात करते हैं, ड्राई। वट इज ड्राई? इन एल्कोहल टर्म्स ड्राई सिंपली मीन्स दैट नॉट स्वीट। ओके, ड्राई मीन्स नॉट स्वीट, एंड उस जिन से आपको बिल्कुल भी स्वीटनेस फील नहीं होगी। यू विल गेट दैट मिंटीनेस बट देर इज़ नो स्वीटनेस, और उसकी वजह से सम पीपल डोंट लाइक इट बिकॉज उनको लगता है कि काफ़ी बिटर है टेस्ट। आई पर्सनली डू एन्जॉय इट। आई थिंक देर आर सम मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे डू दे जिन की बात करते हैं तो उनका जो फेमिलियरिटी जो होती है वो ज़्यादा लंदन ड्राई जिन से होती है, and that's because that is the most popular type of gin. It is light, refreshing in taste, but ज़्यादातर जो companies होती हैं वो London Dry gin को थोड़ा extra alcohol percentage के साथ देती हैं। If you see most of the famous brands, वो अपनी gin को थोड़े high strength पर sell करती हैं, so that gin sells more. And I think because taste light होता है तो एक्स्ट्रा अल्कोहल परसेंटेज शायद फील नहीं होती है। देर आर ऑल्सो सम जिन्स विच आर एक्सट्रीमली हाई अल्कोहल वॉल्यूम, जैसे कहते हैं नेवी स्ट्रेंथ, विच कैन बी 57-58% इन अल्कोहल परसेंटेज। आई थिंक इट्स अ ग्रेट जिन टू स्टार्ट योर जिन जर्नी विद। अगर आप अपनी जिन की जर्नी स्टार्ट करें, इफ यू वांट टू ट्राई जिन, देन इट्स अ गुड जिन टाइप टू स्टार्ट विद। बट अगेन देर आर सो मेनी अदर जिन टाइप्स जिसे लोग ट्राई नहीं करते हैं, और अगर उनको लंदन ड्राई पसंद नहीं आती तो वो दूसरी जिन को ट्राई करना पसंद नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है कि बाकी जिन का टेस्ट भी वैसे ही होगा। बट ऐसा नहीं है, देर आर मैनी मोर जिन टाइप्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर टाइप्स। येस, वेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस, द वन जिन दैट इज द मोस्ट पॉपुलर इज कॉल्ड प्लिमथ जिन। लंदन ड्राई जिन
पॉपुलर लंदन से हुई थी, लेकिन एक दूसरा लेजेंड भी था जिसका नाम था प्लिमथ, और वहाँ की कंपनीज कुछ अलग ही कोशिश कर रही थी बनाने की। दे वॉन्टेड द जिन टू बी नॉट दैट ड्राई, थोड़ी सी स्वीटनेस एलिमेंट डालना चाहते थे वो जिन के अंदर, सम डिफरेंट काइंड ऑफ बोटानिकल्स जिससे एक अर्थीनेस फील हो आपको जिन से। एंड दोस जिन बिकेम रिलेटिवली पॉपुलर, नॉट एज पॉपुलर एज लंदन ड्राई, बट फिर भी लोगों को पसंद आने लगी। एंड इट बिकेम अ ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्टेड जिन, यानी कि प्लिमथ जिन जो होती है वो प्लिमथ में ही बननी चाहिए, तभी उसका नाम प्लिमथ जिन पड़ सकता है। अगर वो प्लिमथ में नहीं बनी तो प्लिमथ जिन उसको नहीं कह सकते, सिमिलर टू स्कॉच विस्की या बर्बन विस्की जैसे हम कहते हैं। सो प्लिमथ जिन हैज़ टू बी मेड इन प्लिमथ रीजन। बहुत सारे जिन की वैरायटीज नहीं है अगर हम बात करें प्लिमथ जिन की, स्पेशली इन इंडिया देर आर नॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आई हैव नॉट सीन एनी प्लिमथ जिन इन इंडिया टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने देखी है तो मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई टू गेट इट ऑन द चैनल, रिव्यू इट ऑन द चैनल, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई। तो मुझे तो नहीं दिखी, अगर आपको दिखी है तो ज़रूर बताइएगा। बट इफ़ यू गो ओवरसीज, इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू शॉप एट ड्यूटी फ्री, तो आपको शायद दिख सकती है कोई प्लिमथ जिन, एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई। स्पेशली अगर आपको लंदन ड्राई जिन का जो टेस्ट है काफ़ी ड्राई लगता है, थोड़ा बिटरनेस फील होती है, देन आई थिंक यू कैन गो विद प्लिमथ जिन। द थर्ड जिन टाइप जिसके बारे में आई एम श्योर आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इस जिन टाइप के बारे में, जिसका नाम है ओल्ड टॉम जिन। अब जिन की स्टोरी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे जिन क्रेज़ आया था और जिन के ऊपर पूरी तरह से बैन लग गया था, और ड्यूरिंग दिस बैन टाइम कुछ जो बार्स थे दे हु वर एबल टू सेल जिन, उन्होंने अपने बार्स के बाहर एक कैट का स्टैचू बना दिया था जिसको कहते थे ओल्ड टॉम। और आते जाते लोग उस स्टैचू के अंदर अगर कॉइन डालते थे तो बारटेंडर बाहर से उसमें एक शॉट डालता था, और एक शॉट जिन का एक शॉट यानी कि एक 60 ml या 30 ml ड्रिंक उसमें से निकलती थी और लोग उसे पी सकते थे। और उस जिन का नाम टाइप का नाम पड़ गया ओल्ड टॉम जिन। व्हाट इज़ डिफरेंट इन ओल्ड टॉम जिन, बिकॉज जैसे मैंने बताया, पूरी एक्सप्लेन करा, दिस वाज काइंड ऑफ जिन जो कि थोड़ी सस्ती होती थी, इट वाज केटर टूवर्ड पीपल हु कुड नॉट अफोर्ड गुड क्वालिटी लिकर, और काफ़ी हार्श भी होती थी, तो इसीलिए इसका टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा उसे स्वीट बनाया जाता रहा, उसमें ज़्यादा शुगर डाली जाती थी। सो इट वॉज मोर ऑफ अ स्वीटेंड वर्जन ऑफ लंदन ड्राई जिन। स्वीट होती थी तो अंदर जाने में थोड़ी इजी होती थी। नाउ अडेज यू डोंट रियली फाइंड ओल्ड टॉम जिन, हालांकि जो फेमस कॉकटेल है टॉम कॉलिंस, अगर उसको आपको आई एम श्योर आपने कभी ट्राई की होगी या सुना होगा। सो टॉम कॉलिंस में जो टॉम वर्ड है दैट यूजली रिप्रेजेंट द ओल्ड टॉम जिन, यानी कि उसमें ओल्ड टॉम जिन का यूज़ करा जाता था। आज की डेट में यू कैन यूज़ एनी अदर जिन, बिकॉज ओल्ड टॉम जिन्स आर नॉट रियली मेड दैट वाइडली। बनते हैं, कुछ बनाते हैं लोग, बट दे आर वेरी स्मॉल क्राफ्ट डिस्टिलरीज हु मेक द ओल्ड टॉम जिन्स टाइप। उसके बाद आते हैं फोर्थ कैटेगरी पे, एंड आई दैट्स माई फेवरेट कैटेगरी टू बी ऑनेस्ट, द सेम कैटेगरी दैट आई एम ड्रिंकिंग टूडे, विच इज़ क्राफ्ट जिन। एंड आई थिंक क्राफ्ट जिन की वजह से ही जो एक नया जिन क्रेज़ जो आया है मार्केट में, इट्स बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट जिन्स। क्या होता है क्राफ्ट जिन्स? वेल एज आई एक्सप्लेन, जितनी भी कैटेगरीज मैंने बताई हैं काफ़ी पुरानी कैटेगरीज हैं, ये काफ़ी सालों से सदियों से चली आ रही हैं। एक फिक्स रेसिपी होती है, अगर आप एक लंदन ड्राई जिन ट्राई करेंगे, अगर आप 5 लंदन ड्राई जिन साथ में रख के ट्राई करते हैं तो आपको उन 5ों का टेस्ट बिल्कुल सिमिलर लगेगा, 19-20 का फर्क महसूस होगा। एंड दैट्स बिकॉज द रेसिपी इज सेट, द फॉर्मूला इज सेट, दे आर जस्ट फॉलोइंग इट, देर इज़ नथिंग रॉन्ग। ऐसे नहीं कि बुरी चीज़ है, इट इज़ फाइन, लंदन ड्राई जिन्स आर ऑल्सो गुड, बट देर इज़ अ वेरी लेस एक्सपेरिमेंटेशन दैट गोज ऑन। और वहीं से आती है क्राफ्ट जिन। देर आर कंपनीज, न्यू कंपनीज एंड इवन ओल्ड कंपनीज हु आर ट्राइंग टू कम अप विद न्यू रेसिपीज, डिफरेंट रेसिपीज। जूनिपर ऑफकोर्स देर इज, इट्स वन बोटानिकल जिसे यूज़ करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कई ऐसी कंपनीज हैं दैट हु आर गोइंग एब्सोल्युटली क्रेजी इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल बोटानिकल्स दे कैन यूज़, एंड दे आर एक्सपेरिमेंटिंग लाइक एनीथिंग। जैसे कि द कोबाल्टो 17 जिन विच आई एम ड्रिंकिंग यूजेस टिंटो अमेरिला ग्रेप एज वन ऑफ द बोटानिकल्स। दिस ग्रेप इज़
extremely tasty. It's really premium grape, especially when used in wine. ये जो grape की quality है ज़्यादातर wine में use करी जाती है. The wines that are made from this grape, they are of premium quality, but इसे as a botanical use करा गया है एक gin के अंदर. And it gives this gin a completely unique taste. A taste जो आपको दूसरी और किसी gin से नहीं मिलेगा. And जब हम बात करते हैं gin and tonics की या gin and soda की, in that you can use any gin because you're diluting it. But अगर हम बात करते हैं कुछ advanced cocktails की, जैसे कि martini या negroni, where the taste of gin matters a lot, उन cocktails के लिए I feel craft gin is what you should try. और बहुत सारी craft gins available है market में, India में भी बन रही हैं और बाहर से भी मिल रही हैं. You should give those a try, especially अगर आप अच्छी gins try करना चाहते हैं. I think the craft gin, the new age style gin, मैं शायद ये नाम देना चाहूँगा, they are the one who are taking the market by storm. और इसलिए जिन थोड़ी महंगी होती हैं, बिकॉज जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे दे आर एग्जॉटिक प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स जो नॉर्मली यूज़ नहीं होते. लंडन ड्राई जिन में सेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दे आर नॉट रियली दैट एक्सपेंसिव, बट क्राफ्ट डिस्टिलरीज, द क्राफ्ट जिन्स जो बन रही हैं, दे आर यूजिंग इंग्रेडिएंट्स जो इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, एंड दे आर मेकिंग इट इन स्मॉल क्वान्टिटी. अवेलेबिलिटी कम होती है, सो दैट्स वाई इट्स लिटिल एक्सपेंसिव. बट इफ़ यू आर रियली अ जिन फैन, अगर आप जिन्स ट्राई करना चाहते हैं सही में, देन आई वुड सजेस्ट दैट गो टूवर्ड्स द क्राफ्ट जिन्स. उसके अलावा कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिन की, जैसे कि नाउ डेज यू आर सीइंग फ्रूट इन्फ्यूज्ड जिन्स, विच इज़ अनदर न्यू कैटेगरी. इफ़ यू आर इन टू फ्रूट्स, जैसे कि अगर आपको फ्लेवर्ड वॉडकास्ट पसंद थे, यू कैन प्रॉब्ली ट्राई द फ्लेवर्ड जिन्स, फ्रूट फ्लेवर्ड जिन्स. देर आर सो मैनी ऑप्शंस जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे. अनदर टाइप ऑफ जिन जो आपने शायद सुनी होगी, आपने देखी भी होगी, वो होती है पिंक जिन. ट्रेडिशनली पिंक जिन्स यूजली मीन्स कि जिन जिसमें एंगोस्टोरा बिटर को डाला जाता है, जिससे उसका कलर काफ़ी बिल्कुल पिंक हो जाता है. बट नाउअडेज पिंक जिन इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्रूट जिन. कई कंपनीज उसको पिंक जिन का नाम दे रही हैं और फ्रूट के साथ इन्फ्यूज कर रही हैं, विच इज़ ओके. अगेन इट्स काइंड ऑफ अ फ्लेवर्ड जिन. और भी कुछ तरह के जिन टाइप्स होती हैं जो थोड़े से नीच होती हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा. दैट्स वाई आई ओनली कवर्ड लाइक द ब्रॉड टॉपिक्स. आप कहीं देखेंगे इंडियन ड्राई जिन, अमेरिकन ड्राई जिन, हिमालयन ड्राई जिन, दीज आर जस्ट नेम्स दैट आर गिवन बाय द कंपनीज. कोई ऐसी फॉर्मल ऐसी कोई लेबलिंग नहीं है इंडियन ड्राई जिन करके या कुछ भी. दीज आर जस्ट क्राफ्ट जिन, बट उसे एक लेबल दे दिया गया है so that they can be called Indian gin या American gin or whatever. But if you guys have more questions about gin, then let me know in the comments. मैं कोशिश करूँगा कि आगे जाके किसी और वीडियो में उसे कवर करूँ. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers.